कोरोना को लेकर मध्य प्रदेश की सरकार ने करे हैं दो बड़े ऐलान। दरअसल प्रदेश में कोरोना लगातार पांव पसार रहा, खास तौर से बड़े शहरों में लगातार एक एक केस बढ़ रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुले तौर पर कह दी है कि अब मध्य प्रदेश में फिलहाल कोनो लॉकडाउन नहीं लगे। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से सवाल पूछेगा तो कि आखिर लॉकडाउन की कोनो तैयारी तो नहीं आ, तो वे बोले कि नहीं, अब कोनो लॉकडाउन नहीं लगे। सुनो जरा क्या बोले हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। कि स्वयं भी मास्क लगाएं और अगर किसी ने मास्क नहीं लगाया हो तो उसको समझाइश भी दें, मैं भी समझाइश देने का प्रयास करता हूं। सर लॉकडाउन लगाने का? धन्यवाद, कोई लॉकडाउन नहीं होगा। उधर कोरोना को लेकर मध्य प्रदेश की सरकार ने बड़ी पहल करी है और इसके तहत जिन बंदियों की पेरोल दी गई थी कोरोना को लेकर, उनकी पेरोल अब बढ़ा दी गई है। ये जेल विभाग में हमारे लगभग 4000 पेरोल बंदी हैं। ये 4000 जो पेरोल के बंदी हैं, सामने कोरोना का संक्रमण को देखते हुए, कोविड-19 को देखते हुए इन कैदियों की पैरोल 60 दिवस 2 माह के लिए और बढ़ाने का निर्णय मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है। एक तरफ सरकार कोरोना को लेकर एहतियात बरतने की कोशिश में है, दूसरी तरफ अब लॉकडाउन के मूड में नहीं दिखा रही, काहे के लॉकडाउन से आर्थिक परेशानियां हो, लेकिन अब सरकार की रणनीति कितनी सफल हो जो तो कुछ दिन बाद पतो चले। बुंदेली बोछार की शानदार खबरों को देखवे किला ने सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाएं, तभी पूरी खबरें आपके पास आ पाएं।